नमस्कार, ज्योतिष नानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अखंड राजयोग हथेली में कैसे देखे। देखिए, अखंड राजयोग का कहने का मतलब है, ये आप अपने करियर से भी रिलेट कर सकते हैं कि आपके हाथ में अगर आप अपर अथॉरिटी पोस्ट जो होते हैं वो पोस्ट चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब चाहते हैं, या फिर अपर पोस्ट जहाँ से आपको पावर और पोजिशन दोनों मिले, वैसी हथेली वे सिम्बॉल वैसे कुछ योग कैसे देखें। यानी कि IAS PCS वगैरह की जॉब अगर आप चाहते हैं तो कैसे देखें। एक दूसरी चीज के अखंड राजयोग, सपोज ये चीज नहीं हुआ फिर भी आप एक राजा के समान लाइफ कैसे व्यतीत कर सकते हैं, तो आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात जो मैं एक चीज आपको बोलना चाहती हूँ, राजयोग है ना, अखंड राजयोग या फिर IAS PCS के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो 6 या 7 ऐसे सिंबल होंगे जिसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगी आपको। सबसे पहली बात जो है ना, आप अपने हाथ में देखेंगे कि प्राइमरी लाइनें जो है ना स्वच्छ हो, निर्दोष हो, उस पर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। आपकी जो प्राइमरी लाइनें हैं ये हो गई आपकी जीवन रेखा, और ये हो गई आपकी माइंड लाइन, और ये हो गई आपकी लाइफ लाइन, ठीक है। उसके बाद जो एक लाइन आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपको राजयोग कारक लाइन कहे जाते हैं, तो वो लाइन होती है आपको सूर्य रेखा। सूर्य रेखा पे 2-3 तरीके से कुछ ऐसे कंडीशन बनते हैं जिससे कि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको ए ग्रेड का जॉब मिलेगा, ऑफिसर रैंक का जॉब आपको मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये हथेली है आपकी, है ना, प्राइमरी लाइन को देखना बहुत ही जरूरी है। हथेली किसी भी शेप में हो कोई मतलब नहीं है, स्क्वायरी हो, रेक्टेंगुलर हो, किसी भी एलिमेंट के हो, हाँ, लेकिन एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वाटर एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि वाटर एलिमेंट वाले ज्यादा कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी देखिए, हार्ट लाइन के ऊपर है ना ये जो सूर्य माउंट होता है, इस पे एक लाइन हो इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज और, कभी भी आप देखेंगे इस प्रकार से लाइन आ रहा हो, है ना, इस प्रकार से लाइन हो, और इस तरह से बुध के माउंट से, बुध के माउंट से कभी भी एक लाइन आपके सन माउंट को टच करता हो, इसका मतलब ही होता है कि सूर्य आपका स्ट्रॉन्ग है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो लाइन है ना स्वच्छ होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, किसी भी प्रकार की दोष, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ी राजयोग की बात कर रही हूँ, अखंड राजयोग है ना, जो कि कभी खंडित ना हो, लाइफ टाइम आपके साथ में वो राजयोग बना रहे। एक दूसरी चीज क्या है, लाइफ टाइम आपको नेम फेम मिलता रहे, दौलत और शोहरत मिलता रहे, तो ऐसे राजयोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से हो, ये जो है ना राजयोग बहुत अच्छा होता है, ये राजयोग आपको धन भी देता है, दौलत भी देता है, शोहरत भी देता है, बहुत अच्छा है। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा जो होता है ना, ये देखिए, ये लाइन तो भाग्य रेखा तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और होना चाहिए, यहाँ पे आपके सूर्य माउंट पे देखिए इस तरह से कोई लाइन जाए। अब आप कहेंगे यहाँ पे ये लाइन आपके शनि माउंट को कट कर रहा है, ये लाइन यहाँ पे क्रॉस बना रहा है, तो ये यहाँ पे इसका इस तरह से फल नहीं देखा जाता है, इसको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। अगर आपकी सूर्य रेखा प्रबल हो, उस पर इस तरह से वाई सिंबल या बी सिंबल बन रहा हो, दूसरी चीज यहां से कोई रेखा अगर आपके गुरु माउंट पे जाए, गुरु किस चीज का होता है, गुरु आपके ज्ञान का होता है, एजुकेशन का होता है, मान प्रतिष्ठा का होता है, हायर एजुकेशन का होता है, समाज में रिस्पेक्ट का होता है, एक गुरु के भांति जिंदगी, क्योंकि गुरु जो होते हैं ना स्वयं गुरुदेव गुरु हैं, बृहस्पति देव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से गुरु जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन बनना, एक तरह से कुंडली में जब कंजक्शन देखेंगे तो उसका फल बहुत प्रबल होता है। उसी प्रकार से हाथ में अगर सूर्य माउंट से गुरु माउंट पे कोई भी लाइन जाए तो ये बहुत बड़े राजयोग को रिप्रेजेंट करता है, ये IAS PCS वगैरह के जॉब को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी के हाथ में इस प्रकार से देखें तो आप देखेंगे उच्च अधिकारी पोस्ट पे वो विराजमान होते हैं। ऐसे तो 100% यहाँ पे श्योर है कि ऐसे लोगों को इस प्रकार का जॉब मिलता ही मिलता है, मैं सारे कंडीशन जो बताती हूँ वो सारे कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो दूसरा चीज, अगर 1% अगर आपका नहीं है तो ऐसे जातक MNC वगैरह में या फिर इंटरनेशनल व्यापार करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा सक्सेस पाते हैं, या फिर बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के मालिक हो गए एजुकेशन के क्षेत्र में, या फिर कोई बहुत बड़े मठ, बहुत बड़े पीठम, बहुत बड़े आश्रम के मालिक हो गए, तो ये भी सक्सेस मिलता है। आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, तभी मैंने आपको अखंड राजयोग की बात कही है स्टार्टिंग में ही। एक दूसरी चीज क्या होता है कि आप देखेंगे कि इस तरह से बुध माउंट
स्पेस एक लाइन जा रहा है। ये तो हो गया क्या हमारा, ये मनी ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये लाइन, ये 100% की मैं बात कर रही हूँ, 100% अखंड राजयोग का निर्माण करता ही करता है। ये आप कहीं भी बुक में पढ़ लें तो भी इसका फल वही मिलेगा, कहीं आप प्रैक्टिकल रूप से देख लें किसी का हाथ पाम तो वहां भी आपको यही फल दिखेगा। और ये पाम देखने के बाद आप कुंडली देखें तो कुंडली में भी बहुत बड़े बड़े राजयोग का आप देखेंगे। तो इसीलिए मैं 100% बोल रही हूँ अखंड राजयोग का ये सिंबल है। उसके बाद ये लाइन तो हो ही हो, साथ में दो लाइन हो, कभी भी किसी भी जातक का आप देखेंगे इस तरह से बुध माउंट से लेके आपके लक लाइन को लाइन टच कर रहा, एक नहीं बल्कि दो लाइन टच कर रहा हो तो अत्यंत भाग्यशाली होते हैं ऐसे जातक। डबल बुध रेखा, देखिए ये बुध क्या है आपके, ये बुध आपका कम्युनिकेशन है, बुध आपका बुद्धि है, आपका इंटेलिजेंसी है ना, आप कितने बुद्धिमान हो, कितने बुद्धिजीवी हो, आपका प्रेजेंटेशन है, आपका व्यक्तित्व है। और बुध को ग्रहों में युवराज की श्रेणी मिली हुई है। और देखिए आप इस चीज को जानिए, शनि को क्यों हम लोग बोलते हैं कि जिसका शनि प्रबल है या फिर शनि प्रधान है उससे कोई भी चीज लेट से मिलेगा, क्योंकि शनि को हम लोग वृद्धा ग्रह बोलते हैं। तो वृद्ध व्यक्ति कैसे चलते हैं, धीरे धीरे चाल चलते हैं, उसी प्रकार से बुध जो होते हैं इसे युवा बोलते हैं, बचपन के बाद जो हमारा एज होता है युवा अवस्था, जो कि क्विक अपना रिजल्ट देने वाला होता है क्योंकि इनमें पेशेंस लेवल की कमी होती है और ये कोई भी रिजल्ट बहुत जल्दी देता है। तो इसीलिए ये जो बुध है ना, ये इस प्रकार से बुध ऐसे जातक बहुत ही अर्ली एज में ही सक्सेस करना शुरू हो जाता है इनका, सक्सेस बहुत ही कम एज में। तो ये बहुत ही भाग्यशाली, दो बुध रेखा अत्यंत अखंड सौभाग्यशाली होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत शुभ होता है। दूसरा डबल आपका बुध रेखा, देखिए अब इसमें आप बिजनेस भी कर सकते हैं, एक सफल डॉक्टर भी बन सकते हैं, एक रिसर्च वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, आप बहुत बड़े इंटरनेशनल मल्टीनेशनल लेवल के व्यापारी बन सकते हैं। ब्रांड होता है ना जिसको देश विदेश में इस ब्रांड को जाना जाता है, टाटा ग्रुप फॉर एग्जाम्पल, जैसे रिलायंस टाटा ग्रुप, ये लोग कौन नहीं जानता, बच्चे बच्चे, तो इस प्रकार से योग बनते हैं, ठीक है। तीसरा तो हो गया, एक हो गया सूर्य पे से ग्रुप का जाए। चौथा जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके लाइफ में, जो कि आज कलयुग चल रहा है, कलयुग के जो धन देने वाले देवता जो बोले जाते हैं राहु महाराज। राहु महाराज देखिए, पहले के टाइम में राहु को बहुत अशुभ बोला जाता था क्योंकि राहु आपको विच्छेद कराता था, राहु आपको अलगाव कराता था, राहु आपको अकेला ले जाता था। राहु किसी का प्रबल है तो गृह त्याग का योग बनता था, इसलिए तो कहते हैं देश काल पात्र को देख के प्रेडिक्शन करना चाहिए। और आज के टाइम में राहु अगर प्रबल है तो विदेश यात्रा, विदेश यात्रा सुनते ही लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लाइफ में, लेकिन पहले के टाइम में विदेश यात्रा को बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं मानी जाती थी, एक तरह से श्राप माना जाता था, ठीक है, इसीलिए उस राहु को गलत बोला जाता। लेकिन आज के टाइम में वही राहु पॉजिटिव हो गया, कहते हैं ना समय समय की बात है, तो यही बात है। अब देखिए यहाँ पे राहु का क्या रोल होगा, राहु जो है ये जो लाइन है, इस प्रकार से आपके हाथ में कोई भी लाइन आपके भाग्य रेखा को टच करे या फिर इस प्रकार से कोई भी लाइन आपके राहु के माउंट पे आए, ये चंद्र लाइन नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए बारीक चीज देखना पड़ता है हथेली में, हर कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, इसीलिए जो कि यहाँ से बिल्कुल चंद्र माउंट यहाँ से आपको देखना पड़ता है, चंद्र का माउंट है ना। तो आप देखिए इस प्रकार से ये लाइन कभी भी आए, ये राहु में जो है ना अचानक देने की प्रवृत्ति होती है, कुछ भी दुर्घटनाएं घटनाएं शुभ अशुभ कोई भी फल राहु जो देगा अचानक देगा, बिल्कुल आप नॉर्मल हो, बिल्कुल लाइफ में खलबली मच जाना, इसी को राहु बोलते हैं। तो राहु जो है यहाँ पे राहु क्या करेगा, आपको अचानक धन देगा, पॉजिटिव राहु है, अगर इस तरह से कुछ होता है तो ये पॉजिटिव वे में आपको धन देगा। अगर यहीं पे क्रॉस आपको दिख जाए तो बिल्कुल अलर्ट रहे, कब क्या आपके साथ में अनहोनी हो जाए, क्या चला जाए, क्या आपके साथ में मिसहैपनिंग हो जाए, कहना मुश्किल है, इसीलिए राहु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका जगह भी देखिए एकदम बीचों बीच होता है हथेली में, तो ये सब पे नजर रखता है, सारे ग्रहों पे नजर, किसको क्या करना है। तो राहु को इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से अगर हो, ये चौथा साइन हो गया आपका राहु है ना, इस प्रकार से लाइन जाए तो ये राहु की प्रधानता होती है। ऐसे लोगों के लाइफ में राजयोग, अखंड राजयोग बनता है, सदन करोड़ों की इनको लाभ हो सकता है, पॉजिटिव वे में बहुत अच्छा हो सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। हाँ एक चीज है, राहु की जो सफलता मिलती है, राहु का जो राजयोग सक्सेस होता है क्षणिक होता है, तो आप इस चीज को इन्वेस्ट करके इसको आप परमानेंट बना सकते हैं, तो परमानेंट बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गया एक। और पांचवा जो होता है साइन, कभी भी आपको अंदरूनी मंगल से इस प्रकार से, जिसको कि हम लोग तरक्की बोलते हैं, अथाह संपत्ति, अनलिमिटेड कह सकते हैं ना, सक्सेस मिलना,
लाइफ में ऐसे जातक तरक्की ही तरक्की करते हैं। ऐसे जातक की लाइफ में कभी ग्राफ नीचे नहीं जाता है, या तो बराबर रहेगा या तो ऊपर रहेगा। अगर बहुत खराब टाइम आ गया तो बराबर आ जाएगा या हमेशा ऊपर ही रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा सिंबल होता है। कभी भी अंदरूनी मंगल से आपके गुरु के माउंट पे कोई भी लाइन जाए तो इस चीज का मतलब ही आप समझ लीजिए ये आपको गॉड का गिफ्ट दिया हुआ है। गॉड आपको स्पेशल रूप से दिए हुए हैं। ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं लाइफ में, बहुत ही ज्यादा अनलिमिटेड सक्सेस आपको ये देता है। ठीक है, तो ये एक सिंबल हो गया आपके मंगल से गुरु का कनेक्शन बनना, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, भाग्य रेखा के पास कोई भी एक रेखा बन जाए। देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे, ये जो है ना ये रेखा है भाग्य रेखा है। आप देखेंगे कि भाग्य रेखा कहीं से भी आए, ठीक है, कहीं से भी भाग्य रेखा है, और भाग्य रेखा के पास में कोई रेखा इस प्रकार से एकदम से सट के कोई रेखा पैरेलल लाइन चले, तो ये भी बहुत ही शुभ होता है। ऐसे लोगों के लाइफ में कभी भी कह सकते हैं असफलता का मुंह नहीं देखते हैं। लेकिन ये कब मिलता है आप देखेंगे, जब से ये लाइन शुरू, आप मोटा मोटा आप इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो है ये 35 का एज हो गया, ये 45 का एज हो गया। अगर कोई रेखा आपके माइंड लाइन तक रुकता है तो यानी कि 35 का एज, लगभग तो 33 भी हो सकता है। और उसी प्रकार से कोई भी रेखा अगर आपके हार्ट लाइन पे आके रुकता है आपका, यानी कि 45 का एज, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कभी भी रेखा इस प्रकार से पैरेलल लाइन कोई चले, एकदम समीप जाके एकदम से चले, तो ये डबल लक का साथ मिलना, एकदम लक का स्ट्रांग हो जाना। जिस प्रकार से जीवन रेखा समीप कोई पैरेलल लाइन चलता है तो एकदम जीवन स्ट्रांग हो जाना, लाइफस्टाइल स्ट्रांग हो जाना, उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से ये बहुत ही शुभ शाइन होता है। हथेली में आप देखेंगे जो भी आज अपर पोस्ट पे है सक्सेस, जरूर उनके हाथ में ये लाइन है ना, बहुत लोगों के हाथ में है। तो ये भाग्य रेखा के पास एक और भाग्य रेखा जाना अति शुभ होता है, अति शुभ। तो ये हो गया आपका पांचवा साइन। अब छठा साइन जो होता है आपका चंद्रमा है ना। जब आप हथेली को इस प्रकार से देखेंगे, ये जो एरिया है एकदम से, ये जैसे आप सीधा देख रहे हैं इसमें जो बन, किसी किसी का एकदम से गोलाई लिए हुए हो, है ना, गोलाई लिए हुए हो। तो देखिए जब भी इस प्रकार से गोलाई लिए हुए हो चंद्र माउंट का एरिया, तो ये बहुत ही शुभ होता है। ऐसे लोग मन के बहुत मजबूत होते हैं। अब देखिए आप जब मन के मजबूत होंगे तो क्या नहीं लाइफ में आप अचीव कर पाएंगे, तो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है। जिन भी जातक के हथेली में आप देखेंगे इस प्रकार से रेखा हो, और ध्यान रखिएगा चंद्रमा जब भी आपके मजबूत हो तो ऐसे लोगों को विदेश से बहुत ज्यादा सफलता मिलता है ना, हाथ में खास करके विदेश से ज्यादा सफलता मिलता है, आफ्टर मैरिज सक्सेस मिलता है, अपोजिट जेंडर से बहुत साथ मिलता है, लकी चार्म होता है एक तरह से। तो ये भी बहुत अच्छा साइन हो अगर चंद्रमा आपका गोलाई लिए हुए है। उसके बाद एक जो बहुत अच्छा सिंबल होता है वो ब्रेसलेट जो होता है, जिसको कि हम लोग मनी बंध बोलते हैं। ब्रेसलेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे लाइफ में और हमारे पाम में। देखिए ये जो है यहाँ पे कभी भी इस प्रकार से एकदम से जौ बना हुआ देखें, देखिए ये पहला ब्रेसलेट जौ, जौ नुमा कृति है ना, यव टाइप में एकदम से इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो जौ नुमा आकृति अगर पहला ब्रेसलेट देखेंगे, यहाँ पे पाया जाता है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो ब्रेसलेट होता है एकदम यहाँ पे होता है यहाँ पे, तो कभी भी देखेंगे यहाँ पे जौ नुमा आकृति है तो समझ जाइए आपके पास धन की कमी नहीं होगी। आपके का कोई भी काम पैसे के कारण कभी नहीं रुकेगा। अगर आपके पास सब कुछ पैसे नहीं भी हैं और आपने कोई काम शुरू कर दिया तो वो काम आपके पैसे के कारण बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, धन की पर्याप्त मात्रा में आगमन होती रहती है। तो यहाँ पे ब्रेसलेट बहुत शुभ बोला जाता है, ये सातवां साइन है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सात साइन बताई है जो कि अखंड राजयोग देता है अगर आपके हथेली में है। आप देखेंगे एकदम से जो बहुत अच्छे पोस्ट पे है तो उनके हाथ में तो सारे साइन आपको मिल जाएंगे, लगभग सारे साइन मिल जाएंगे। इसमें से कम तीन या चार साइन भी मैच कर रहे हैं तो आप बहुत लेवल के व्यक्ति हो, अच्छे रॉयल क्लास के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो यदि आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई हो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मुझे इंस्टा और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए, ज्योति सिंधानी करके मेरा फेसबुक और इंस्टा पेज भी बना हुआ है, जहाँ पे शॉर्ट रेमेडीज होते हैं, रील्स होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।